Assalamu alaikum, student of grade 5. I'm your teacher, Ms. Aryan Yusuf, and today I'm again conducting your class, maths class. So our last topic is rounding of numbers. So हमने उसमें nearest to 10 numbers round किए थे. हम थोड़ा सा previous recap करते हैं कि what is rounding of number, rounding of number क्या है. ठीक है, last two classes जो है वो मैंने आपको same जो है rounding of number की दी है ताकि आपकी खूब practice हो जाए, क्योंकि जो last classes की जो worksheets हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट उसका नहीं आ रहा. प्लीज़ आप पढ़ाई पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, अभी ईद की छुट्टियां भी ख़त्म हो चुकी हैं. सो व्हाई वी राउंड ऑफ नंबर, वी कैन राउंड ऑफ नंबर टू गेट अ रफ आइडिया और एन एस्टीमेट, एंड एन एस्टीमेट माइट बी अ लिटिल मोर और लेस देन द एक्चुअल नंबर. ओके क्लास, सो इट इज़ यूजफुल व्हेन वी मेजर टेल द टाइम और डू सम्स. ठीक है, मैंने आपको भी बताया था जब एक रफ आइडिया निकालना होता है किसी नंबर का तो हम उसको राउंड ऑफ करते हैं. और वी कैन मेजर, इट इज़ यूजफुल व्हेन वी मेजर टेल द टाइम, जब हम किसी को टाइम बता रहे होते हैं या किसी टेल द टाइम और डू सम्स. ओके, सो आज जो है लास्ट क्लास हमारी थी राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10. आज जो हमारी क्लास है वो राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100. 100 के नियरेस्ट जो राउंड होंगे उसको हम किस तरह से करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न इट, टू राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 10, टू राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 10 नियरेस्ट 100, लुक एट द डिजिट इन द टेंथ प्लेस. ठीक है, अगर हमें राउंड करना है 100 डिजिट को, सबसे पहला हमें क्या करना होगा, टेंथ प्लेस को जो है हमें देखना होगा सबसे पहले कि टेंथ प्लेस में कौन सा नंबर मौजूद है. ठीक है, नियर उसमें जब हमने राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 10 किया था उसके अंदर हमने वंस प्लेस देखा था, और राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 100 में हम कौन सा है, हम टेंथ प्लेस देखेंगे. किस तरह से, फर्स्ट ऑफ ऑल राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 10 किस तरह से करा. फॉर एग्जांपल अगर मुझे 138 नंबर्स को राउंड करना है तो हमने जो टेंथ प्लेस है यहाँ पर मैंने उसको किससे, हमने 3 को जो है वो ग्रीन कलर से शो करा है ताकि उस नंबर उस डिजिट को हम देखेंगे. डिजिट जो 3 है अगर वो टेंथ जो है वो लेस देन 5 है, अगर लेस देन 5 है तो नंबर हमारे जो है यहाँ 100 से 110, 20, 130 और 138 इन दोनों के दरमियान आएगा, यानी 140. ठीक है, अब नंबर जो 138 है वो ज़्यादा हमारा नियरेस्ट है 100 से, क्योंकि ये जो 3 हमारा टेंथ प्लेस पर है ये लेस देन 5 है. अगर ये ग्रेटर देन 5 होता तो ये जब नंबर हमारा राउंड होता तो वो किस में राउंड हो जाता है, 200 में, बट ये 3 है तो नंबर इज़ 138 और इस 138 को हम किस में राउंड करेंगे, हम 100 में राउंड करेंगे क्योंकि ये 100 से ज़्यादा करीब है. आपको सबको स्क्रीन नज़र आ रही होगी कि ये 100 से ज़्यादा करीब है तो हम इसको 100 में राउंड करेंगे. ये अगर टेंथ प्लेस, आई एम रिपीटिंग अगेन कि 138 जब हम 100 को नियरेस्ट टू 100 को राउंड करेंगे क्लास, तो सबसे पहले उसमें हम क्या देखेंगे, हम टेंथ प्लेस देखेंगे, वंस एंड 10. जब मैंने टेंथ प्लेस देखी तो टेंथ प्लेस में 3 क्या है, 3 हमारा राउंड ऑफ कर, 3 हमारी टेंथ प्लेस पर है, और अगर हम उसको देखा तो ये लेस देन 5 है और ये नियरेस्ट टू 100 है, तो नंबर्स फ्रॉम 101 टू 149 आर क्लोजर टू 100. बस एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि नंबर्स जो हमारे होते हैं, फॉर एग्जांपल जो भी आप राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो हमारे नंबर जो 49 तक हो, चाहे वो 249 हो चाहे वो 349 हो, जहाँ पर हमारे पास ये दोनों वंस और टेंस प्लेस देखेंगे हम, तो 49 तक के जो नंबर होते हैं वो क्लोजर होते हैं 100 के. जो आपका बैक पे जो नंबर होता है, जो भी अगर यहाँ पे 700 होता, हम अभी आगे एग्जाम्पल देखेंगे, तो 149 तक क्लोजर है 100 के, तो 100 क्लोजर है तो हम इसको 200 क्लोजर टू 100 है, देन 200 तो बहुत दूर है, देखें 200 इज वेरी फार अवे, 140, 150, 160, 171, 181, 19, 200. सो 138 इज क्लोजर टू 100, दैट्स व्हाई वी राउंड ऑफ दिस नंबर इज 100. हम इसको 100 से राउंड ऑफ करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास नेक्स्ट नंबर होता 172, सो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे इसकी पहले इसकी टेंथ प्लेस इसके आपको चेक करना है. यहाँ पर हमने पढ़ा है ना, लुक एट द डिजिट इन द टेंथ प्लेस. सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका टेंथ प्लेस चेक करना है कि टेंथ प्लेस पे कौन सा नंबर है. अगर टेंथ प्लेस पर नंबर जो है वो हमारे लेस देन 5 होगा, अगर लेस देन 5 होगा तो वो नियरेस्ट टू वो डाउनवर्ड की जाएगा. ठीक है, डाउनवर्ड की तरफ जाएगा. और यहाँ पर अब हमारा जो नंबर है वो नियरेस्ट टू
200 है, नंबर इज 150 टू 199, जो नंबर हमारा 150 से जो 199 के क्लोज होगा. सो अगर 172 से 199 तक ही क्लोज है तो ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, 200. जब हम 170 को 2 को राउंड ऑफ करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, 200 में. फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं कि 138 राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 इज 100 फॉर 100. ठीक है, ये नियरेस्ट किसके 100 के, इसलिए हमने इसको राउंड किस ऑफ किस में किया, 100 में. एंड 172 का जो टेंस था वो 7 का 7 था, यानी ग्रेटर देन 5, तो हमने जब उसको राउंड किया वो नियरेस्ट टू 200 है. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. सबसे पहले राउंड ऑफ 153 टू द नियरेस्ट 100. ठीक है, यहाँ एक नंबर लाइन है, हमने नंबर लाइन की मदद से इसको राउंड ऑफ करेंगे. राउंड ऑफ 153 टू द नियरेस्ट 100. ठीक है, 100 से नियरेस्ट को राउंड ऑफ करना है. सो द डिजिट 1, 513 में, 513 में स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक नंबर लाइन की मदद से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ. तो 513 में वन डिजिट जो है, क्योंकि हमें क्या देखना है, हमें टेंस की वैल्यू देखनी है. तो 3 इज इन द प्लेस ऑफ वंस एंड 1 इज इन द प्लेस ऑफ टेंस. तो द डिजिट 1 इन द टेंस प्लेस इज लेस देन 5. सो जो टेंस की प्लेस है वो लेस देन 5 है. सो वी रिप्लेस टेंस एंड वन डिजिट बाय 0. इजिली जो वंस की प्लेस है ये राउंडिंग डाउन हो जाएगी हमारी, ये राउंडिंग डाउन जा रही है, क्योंकि 513 है और वन डिजिट जो है वो 10th प्लेस पर है, और जो ये 10th प्लेस पर है राउंडिंग ऑफ में, तो हमें क्या देखना है, हमें अपनी राउंडिंग ऑफ नंबर देखना है. तो राउंडिंग राउंडिंग में 10th की प्लेस हमने देखा है, तो ये 500 के नियरेस्ट है. ठीक है, 513 जो है 600 के नियरेस्ट नहीं है, नंबर लाइन की मदद से सब देख सकते हैं. देखें 600 से कितना दूर है, और ये नियरेस्ट किसके है, 513 500 के. तो ये राउंडिंग डाउन होगा, क्योंकि इसके 10th वैल्यू जो है वो 1 है और 1 इज लेस देन 5. तो सिर्फ आपको ये देखना है, इसकी 10th प्लेस चेक करनी है कि वो ग्रेटर देन 5 है और लेस देन 5 है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट नंबर जो है वो हम राउंड करेंगे, राउंड ऑफ 567 टू द नियरेस्ट 100. कौन से वैल्यू को राउंड करना है, 567 को नियरेस्ट 100 के. सो सबसे पहले अगेन हम यहाँ पर डिजिट देखते हैं, ये क्या है, 7 है. 7 इज इन द प्लेस ऑफ वंस एंड 6 इज इन द प्लेस ऑफ टेंस. सो 10th प्लेस पर हमारे क्या है, 6 है, और 6 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे 6 इज ग्रेटर देन 5. 6 in the 10th place is more than 5. So we replace the 10th in 1's digit by 0 and add 1 to the 100 digit. In dono digits ko hum kis mein change kar denge, 1's ko 10's ko. Kyunki 6 jo hai wo greater than 5 hai, to dono ko humne 0 mein change kar diya hai. Aur 5 jo hamara 100 ke replace pe tha, wahan par humne usko andar 1 add kiya hai. So ye isko kehte hain rounding up. For previous jo hum example dekhe, wahan pe kya ho rahi thi, hamari rounding down ho rahi thi, kyunki 1 प्लेस जो था वो हमारी क्या था, वंस प्लेस जो होते हैं वो हमारी लेस देन 5 था, और यहाँ पर जो 6 है वो ग्रेटर देन मोर देन 5 है, तो राउंडिंग हमारी अप हो रही है 600, क्योंकि ये नियरेस्ट टू 600 है, और यहाँ पर ये नियर वहाँ पे जो हमारी लास्ट एग्जांपल जो मैंने आपको दी थी वो 513 था, वो राउंडिंग डाउन थी, क्योंकि वो नियरेस्ट टू 500 था. ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू 1000. 1000 को किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जब राउंडिंग ऑफ 10 किया तो उसमें हमने वंस की प्लेस देखी, जब राउंडिंग ऑफ 100 किया तो हमने उसमें टेंस प्लेस देखी. ठीक है, अब राउंडिंग ऑफ 100 करने में हमें क्या करना है, सिंपल है बिल्कुल, हमें 100 की प्लेस वैल्यू चेक करनी है. अगर 100 की प्लेस वैल्यू लेस देन 5 होगी तो राउंडिंग डाउन होगा, और 100 की प्लेस वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगा तो राउंडिंग अप होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें राउंड करना है 6498 को. सो 8 इज इन द प्लेस ऑफ वंस, 9 इज इन द प्लेस ऑफ टेंस एंड 4 इज इन द प्लेस ऑफ 100. सो 100 इज लेस देन 5, 100 इज लेस देन 5. सो राउंडिंग क्या होगी, डाउन. इफ 100, अगर 100 जो है वो ग्रेटर देन 5 होता तो राउंडिंग क्या होती, राउंडिंग अप होती. लेकिन अब सिर्फ 100 की प्लेस वैल्यू चेक करेंगे, 100 की प्लेस वैल्यू अगर ग्रेट लेस देन 5 होगी तो राउंडिंग
डाउन. ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 6709. सो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो हमारे नियरेस्ट 200 के हैं, सो वो 100 प्लेस पे वंस, 1009 नाइन इज इन द प्लेस ऑफ वंस, 0 इज इन द प्लेस ऑफ टेंस एंड 7 इज इन द प्लेस ऑफ 100. सो 700 की प्लेस पर है तो 7 जो है उसको वो क्या है लेस मोर देन 5 है. 7 क्या है मोर देन 5 है तो वहाँ पर उसको हम राउंड करेंगे. सो राउंडिंग अप है तो ये चेंज किस में हो जाएगा 7000 में. ठीक है लास्ट एग्जाम्पल जो थी यहाँ पर 4 इज इन द प्लेस ऑफ 4 इज इन द प्लेस ऑफ 100. सो 100 इज 4 इज लेस देन 5. ठीक है तो हमने राउंडिंग डाउन की है और यहाँ पर हमारी राउंडिंग अप है. देन एक्सरसाइज ऑन योर ओन वन एक्सरसाइज नंबर वन लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं. एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज थ्री एक्सरसाइज फोर नियरेस्ट टू 10 नियरेस्ट टू 100 एंड नियरेस्ट टू 1000 इसको कंप्लीट करेंगे. राउंडिंग ऑफ द फॉलोइंग नंबर नियरेस्ट टू 1000 ऑल्सो शो देम ऑन द नंबर लाइन. ठीक है नंबर लाइन की मदद से करेंगे. रफ कॉपी जो आपने बनाई है उसी में करेंगे और प्लीज़ उसको चेक करने के लिए स्कूल में सेंड कर दें. इसके अलावा जो होता है राउंडिंग ऑफ 100 है उसको भी सेंड कर दें चेक करने के लिए. होम असाइनमेंट आपका यही है. डू एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 फ्रॉम पेज नंबर 20. और नेक्स्ट जो आपका चैप्टर जो शुरू होगा वो आपका ऑपरेटिंग नंबर्स एंड ऑपरेशंस शुरू होगा तो उसका टाइटल पेज भी बना लीजिएगा. जब तक नेक्स्ट क्लास तक के लिए आई होप कि आप सब जो है वर्क करेंगे. नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज.